Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऐसा डेफिनेटली कौन आने वाले हैं जिनका इंतजार आपको भी है, और ये इंसान कौन है जो आपको कंटिन्यूसली स्टॉक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको वॉच कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप उन्हें जानते हो, मे बी नहीं भी जान सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है, कौन आपको अपना बनाना चाहते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स विद गाइड मी द राइट डायरेक्शन, की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में आखिरकार कौन आने वाले हैं, कौन आना चाहता है, कौन डेफिनेटली उनके जिंदगी में आएंगे, कौन उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन उनको अपनाना चाहते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द तस्लीम, दैट इज द हैंग्ड वन। वी डू हैव द शबानू, दैट इज द एम्प्रेस। ओके, वाओ, मेरे रश के कमर। ओके, सो द मून मुर्शिदा, दिस इज द हाई प्रीस्टेस। वी डू हैव द चरखे फलक, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। वी डू हैव द फाइव ऑफ स्टाफ्स। आई डू फाइंड कि इंसान डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो गोल्फ, बिलियर्ड्स, इस तरह से कुछ गेम्स खेलते हैं। थ्री ऑफ कप्स, वंडरफुल। मलिका ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास देखो तो क्या है, टू ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है मीन राशि। ओके, आई डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है ओके, आई डू हैव द जेमिनी, मिथुन राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है ओके, सो ऑल द साइंस आर देयर। सो लिब्रा इज देयर, जेमिनी इज देयर, सो ऑल द साइंस। ओके, अभी हमको थोड़ा नंबर सबको बताने दीजिए। 12 इज इम्पॉर्टेंट, 3 इज इम्पॉर्टेंट, अगेन 12 एंड 3। वी डू हैव 18 नंबर, दैट इज द 9, ए हाई प्रीस्टेस कार्ड, सो 2 इज इम्पॉर्टेंट, 10, 5, 3, 3, 3, 3, 3 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इवन फेब्रुअरी इज इम्पॉर्टेंट, 22, 22, 33, 33, 11, 11 आप देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं व्हाट इज द रीडिंग इज ऑल अबाउट, की अबाउट योर पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे संस्था पे वो काम करते हैं, अवश्य ये काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। जिस तरह से इंडस्ट्री में काम करना है, इंडस्ट्री में आप देखोगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं, राइट। एक ऐसी संस्था जो कम एम्प्लॉयज़ का नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि ये एक एथलेट, स्पोर्ट्स लेवल का प्लेयर हो सकते हैं। ये इंसान जो भी करते हैं होशो आवाज में ही वो काम करते हैं, दे डोंट डू इट, दे हैव लॉट्स ऑफ कॉमन सेंस। कभी कभार आपको लग सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, बट आई डू थिंक सो दैट वट एवर दे डू इट विद इंटेंशन। ये काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड का है, ठीक है। ये इंसान जब भी कोई भी अपना खेल खेलते हैं, ओके, सो दे डू इट विद कूल माइंड, ठीक है। सो कूल माइंडेड गेम प्लेयर टाइप एनर्जी। आई डोंट थिंक सो कि वो आपको प्यार नहीं करेंगे, उसमें कोई ट्रिक्स अपनाएंगे, बट ये प्रोफेशनली, ठीक है, बहुत ज़्यादा गेम प्लेयर या डिप्लोमेटिक जरूर रहेंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट उनकी लक्ष्य हमेशा होगा टू एक्वायर मटेरियल वेल्थ, ठीक है। किस तरह से एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वन इज मच मोर स्पिरिचुअल ओवर हियर, एक आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर विश्वास रखता है, एक
अपने ही अपने आप को आप जैसे मेटेरियल वेल्थ से भी डिटैच रख सकते हो। मतलब आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जिनको उतना फिकर नहीं है, देखिए पैसे का या मॉनेटरी बेनिफिट्स, हमेशा ही प्रॉफिट के लिए काम करना, बट आपके पर्सन की इस तरह से होगा ऑपोजिट नेचर, दे कांट लीव इवन 100 रुपीज, दे विल नॉट लीव, समझ रहे हो ना, दे विल बी वेरी मच इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा सा कंजूस होना। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान जो है आपके संपर्क में आके, आपके क्लोज आके, ये जानेंगे कि कुछ चीज़ों से हमें डिटैच भी होना पड़ता है, अलग भी होना पड़ता है, इसमें भी मज़ा है। आई डू फाइंड दे लीड अ लग्जूरियस लाइफ, जितना पैसा है उतना उतना में ही वो एडजस्ट कर लेते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े और बहुत ज़्यादा लैविश लाइफ जीने की तमन्ना रखते हैं। इन फ्यूचर वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ जो है, हम दोनों की रिटायरमेंट लाइफ, मतलब उनका और उनके पार्टनर का रिटायरमेंट लाइफ बहुत शानदार होगा। एटलीस्ट वो आपके लिए काम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, पंक्चुअल। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा उनसे कि ऑफिस जाना थोड़ा सा लेट हो गया तो ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आवर्स वहाँ पे डेडिकेट कर देंगे, इतना ईमानदार वो इंसान है। ठीक है, और दे विल ऑलवेज लीड अ टीम, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें भरपूर होगा। ओके, आई डू फाइंड कि ग्रुप में, एसोसिएशन में काम करना, अपने फैमिलीज के साथ रैपो बना के रहना, क्योंकि आजकल के समय पर लोगों के साथ लोगों की अनबन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ओपिनियन मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राय अलग अलग हो रहे हैं, व्यूज अलग अलग हो रहे हैं, मतलब एक चीज़ों के ऊपर अलग अलग। डेफिनेटली सपोज आपके कुछ अलग थिंकिंग, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव है, मेरा थिंकिंग कुछ अलग है, उस तरह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं, लेकिन इनके फैमिली के साथ इनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, इनके दूर की रिश्तेदार के साथ, कजन्स के साथ वंडरफुल। सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे वॉन्ट अ लाइफ जहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सुकून वाला ये हाउस हो। आई डोंट थिंक सो ये हाउस का पेंटिंग भी उतना खास है, बट ये हाउस हो सकता है इनके पुश्तैनी घर हो, और ये चाहते हैं लाइफ लॉन्ग आप दोनों का कमिटमेंट रहे। यहाँ पे ब्लू पॉटरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड आई डू थिंक सो दैट दे विल लव यू फॉर एवर। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर एवर वाला रिश्ता है, नॉट फॉर अ टेम्पररी बेसिस। अगर ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अगर ये आपको आपके प्रोफाइल में ताक झाक भी कर रहे हैं, तो भी उसका उद्देश्य, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। मे बी आप कुछ रिलेशनशिप में फंस चुके हैं या स्टक है, मे बी वो किसी और रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। मुझे दिख रहा है कुछ लोग के लिए आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, मे बी इनका संबंध या इनका शादी ऐसे इंसान से हुआ तो था जो काफ़ी ज़्यादा रईस थे, या इनके इनसे काफ़ी उन्होंने फ़ायदा उठाया, मतलब वो इंसान ने, बट इट वॉज लाइक अ डार्क सीक्रेट जो शायद वो बयान ना करे। वो आपको हमेशा, यहाँ पे देखो, देर आर लाइक टू मून्स विच हैव कम लाइक साइड बाय साइड, वन इज द लाइक, यहाँ पे देखो मून का स्ट्रक्चर जो देखो आप, यहाँ पे कुछ जाली जाली नेट नेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फुल मून दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट वो आपको हमेशा ही एक चांद की तरह ही, ठीक है, मानेंगे, जिस जो एक स्पॉटलेस ब्यूटी है। ठीक है, सो दे विल एडमायर यू लाइक दैट, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उस तरह से, मतलब दे आर हाईली रोमांटिक पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हो सकता है जिस दिन आप मिलो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो, और मे बी फुल मून डे हो उस दिन, ऐसा भी हो सकता है, इधर फुल मून डे और बहुत ज़्यादा बारिश। एंड आई डोंट थिंक सो ये किसी को, मतलब अगर ये है राइट, वो किसी कंपटीटर को अपने आगे आने ही नहीं देना चाहते, दे आर सच हार्ड कोर पर्सन। अगर ये मेल है, स्ट्रांगली मैस्कुलिन एनर्जी, अगर ये फीमेल है, स्ट्रांगली फेमिनिन, मतलब इनके अंदर जोश बहुत ज़्यादा है कि मैं किसी को भी वो जगह पे पहुँचने ही नहीं दूंगा, मैं पहुँचूंगी, उस तरह का मेंटेलिटी। ऑलराइट, सो दे ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ, दे लव टू ईट, यहाँ पे देखो
विद द मलिका ऑफ कॉइन्स एंड विद द शबानू आई डू फाइंड सो कि अपने लिए खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं. मे बी दे हैव मेड देयर मदर्स एज देयर रोल मॉडल. ठीक है, ये अपने मॉम को रोल मॉडल मानते हैं एंड आई डू थिंक सो दैट देयर मॉम हैव देयर टोटल कंट्रोल ऑन देम. यहाँ पे मुझे बहुत सारे पोमेग्रेनेट, दे लव पोमेग्रेनेट जूस, दे लव फिग्स, अनार, ठीक है, या अंजीर. बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाना, यह हो सकता है कि उनकी उनके घर में ही बहुत ज़्यादा फ्रूट्स गार्डन हो, या हो सकता है फ्रूट्स लेके डील करते हैं, फ्रूट जूस पैकेजेस इंडस्ट्रीज, उस तरह से हो सकता है. दे लव टू डू एक्सरसाइज अ लॉट एंड दे आर क्वाइट फॉर्चुनेट. पहले इनका जो लक फैक्टर था वो काम नहीं करता था, बट येस वंस दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ यू, वंस दे कम इन टोटल कॉन्टैक्ट विथ यू, ओके, दे विल फील दैट दे आर लकी. कि जैसे उनकी जिंदगी ही कुछ हद तक बदल जाएगा आपके इर्द गिर्द आने से. और आपको इंडिकेशन मिलेगा हमेशा 10, 10, 11, 11, 12, 12, उस तरह से. मे बी यू मीट देम इन अक्टूबर मंथ ऑल्सो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस सिर्फ आप दोनों में इसमें रहेगा, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि कोई नेगेटिव नहीं बोलता, नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो हो जाता है, फिर भी मैं बता देती हूँ बिकॉज यू वॉन्ट इट, राइट. सो हो सकता है आप दोनों में ओपिनियन क्लैश हो क्योंकि आप दोनों का नजरिया अलग अलग है. तो इस बात को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए 3 महीने के बाद एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ. एंड मे बी 3 वीक्स, ओके, और लेस देन दैट. बट इनके आपके अगर आप फीमेल है तो आपके सास काफ़ी क्वाइट स्ट्रिक्ट होंगे, बट दे विल बी लाइक डिसिप्लिन्ड, लाइक फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना पड़ेगा उस घर का रीति रिवाज, अगर आप फीमेल है तो, ठीक है, उस तरह से है. क्योंकि आपको कुछ बोलेंगे वो कि आप इस तरह की चीज़ें क्या आप मानोगी हमारे फैमिली में आने से, उस तरह से कुछ हो सकता है. अलग अलग वेशभूषा हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है, अलग जात अलग रीति रिवाज हो सकता है. योर फैमिलीज कैन डिफर इंटर यू कैन से दैट इंटर कम्युनिटी इंटर यू कैन से रिलीजन, ठीक है, उस तरह से भी हो सकता है. एंड यू मे मीट देम इन स्पिरिचुअल प्लेसेस, हो सकता है कि आप उनको उस जगह पे मीट करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग प्रेयर्स के लिए जाते हैं, या आप जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो. यस, व्हाई नॉट, दे कैन बी इन द यू कैन से दैट they can be in the finance sector, they can be an athlete, they can be a sportsman, whatever it is, they can be a healer, they can be an empath ho sakte hai, they love cats and dogs, ho sakta hai inko nature mein samay bitana acha lagta hai, environmental activist ho sakte hai, they can be a photographer, they can be a designer, they can be in the marketing sectors, they can be in the handicraft industries, हाथ से बने हुए काम, उस तरह से हो सकता है. आपके साथ इनका कंपैटिबिलिटी किस तरह से रहेगा, लेट मी सी. वाओ, स्टार, और मैं क्या बताऊं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, दिस कैन बी योर सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट, या बचपन से आप जानते हैं आपके पापा का फ्रेंड का हो सकता है कि बेटा या बेटी है, हो सकता है, या आप जिस शहर से जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां से भी हो सकते हैं, जिस सिटी से भी हो सकते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरीज आप दोनों का रहेगा. हो सकता है कि आप दोनों ने ही नर्सरी KG 1-2 इस तरह के क्लासेस आप दोनों ने एक साथ, या पड़ोसी, ठीक है, मतलब देर इज सर्टन काइंड ऑफ कनेक्शन विथ योर नेटिव प्लेस. दोनों में बहुत ज़्यादा मैच था तब आप लोग, हो सकता है कुछ लोग ऐसा है ना कि आप लोग शायद शादी खेलते थे, अपने गुड़िया को उसके गुड़िया को आप लोग शादी करवाते थे, इस तरह से कुछ यादें हो सकती, और दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन.
वेरी स्ट्रांग कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, रिजिड रहेंगे, लेकिन आपका जो विचार रहेगा बहुत ज़्यादा ओपन, ठीक है। इसमें कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, बाकी मैं मुझे नहीं दिख रहा है। एक दूसरे का आइडियाज़ को आप लोग फॉलो करोगे, रिस्पेक्ट भी करोगे, एंड आई डू थिंक सो कि रात के समय पे इस इंसान का शायद काम ज़्यादा होता है। दे वर्क ड्यूरिंग द नाइट टाइम, दे कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, दे कैन बी अ साइकेट्रिस्ट, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ इल्यूशनिस्ट, ओके, उस तरह का हो सकता है। दे कैन बी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन, ओके। देखो मैंने आपको बताया था सेवन ऑफ वैंस, यहाँ पे है फाइव ऑफ वैंस। किसी को भी, किसी से अगर पंगा लिए है तो उसको वो जीतने दो नहीं देंगे, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, जैसे शेर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। रिवेंज वो लेगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हमेशा ही अपने कंपटीटर्स को वो जगह नहीं देंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ एनी टाइप ऑफ वायलेंस, बट बाय देयर इंटेलिजेंस, अपने जो ज्ञान है उससे वो उनको पीछा कर देंगे वो, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ से, उसके बाद हम इनिशियल्स देखेंगे। सो लेट मी सी, पोस्ट समर सीजन आप उनको मिल सकते हैं, इवन मैनेजमेंट गार्डनर और फ्लोरिस्ट, इसलिए इतना ज्यादा फूल आ रहा है। उनका कोई वेबसाइट हो सकता है, जैसे फर्न्स एंड पेटल्स का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग देखना, वो लोग फ्लावर अरेंजमेंट बनाते हैं, गिफ्ट अरेंज करते हैं, केक्स होता है। मैन वेरी स्ट्रांग मैस्कुलिन कैरेक्टर, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मुझे ना कुछ कर्ली हेयर भी दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से ये चलते होंगे। एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल, मे बी इनके फैमिली हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि शायद उनकी मॉम आपसे बात करे कि आप हमारे खानदान की रीति रिवाज को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि भले ही लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बात तो उनका आपसे होगा ही। वेन योर डिवोर्स विल गेट सेटल, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके डिवोर्स के मामला चल भी रहे होंगे, बट वो जब सेटल हो जाएगा तब आपकी बात होगी शुरू या आप लोग मिलोगे। फार्मेसी इनोवेशंस, आर्ट एंड म्यूजिक, यस, ठीक है। कोई भी संगीत, मैंने आपको हैंडीक्राफ्ट्स भी बताया था, ठीक है, उस तरह से मेडिसिन, हीलर, मे बी डॉक्टर, वट एवर। सॉफ्ट हार्टेड, मे बी आप सॉफ्ट हो, मुझे उनको सॉफ्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में से कोई एक तो सॉफ्ट है ही। नियर माउंटेन्स, हिल्स, नेचुरल लैंडस्केप, प्रकृति के सामने या कोई पहाड़ी इलाके में आप लोग मिल सकते हैं, मे बी वो है उस पहाड़ी इलाके से। सेल्फ मेड स्पाउस, ऐसा आपको पार्टनर मिल रहा है जो ऑलरेडी, किसी ने उनको नहीं बनाया है बट उन्होंने खुद को बनाया है। मॉकटेल्स, इनको मॉकटेल्स, कॉकटेल्स पीना बहुत पसंद है, टू एन्जॉय बेसिकली। लाइटनिंग, जिस दिन हो जाता है कि आपकी मुलाकात हो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश या वहाँ पे थंडर, ठीक है, स्ट्राइक्स हो सकता है। द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है, आप उनके साथ ही अपना जर्नी को कंप्लीट करोगे। मीडियम हाइट हो सकते हैं बट मुझे यहाँ पे टॉल दिखाई दे रहा है, इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑल्सो। एवरेज हाइट एंड लॉन्ग हेयर, शोल्डर लेंथ हेयर, लव्स टू ईट फ्रूट्स, आई फील यू इवन वेन यू आर नॉट देयर, मतलब आप इनको फील करना स्टार्ट कर दोगे या ये इवन कनेक्शन से पहले भी, ओके। अभी हम इनिशियल्स देख लेते हैं। एट, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इनिशियल्स उनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में आ सकता है, कोई इम्पोर्टेंट शहर के नाम हो सकता है,
हो सकता है कि जहाँ पे ये जॉब करे उस जगह का नाम आ सकता है। एनीवे MBA होल्डर हो सकता है ये इंसान, TDS मे बी गवर्नमेंट सेक्टर्स, ओके बैचलर्स में जब आप हो तब भी आप मिल सकते हैं, यू कैन बी लाइक दैट, ओके। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट्स है, ओके। दिया किसी का नाम हो सकता है, रिया, ओके। वीना, ओके। अखिल नाम हो सकता है किसी का, ये बेसिकली ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस रखते भी है जो लोग सुपर्ब है परफॉर्मेंस में, या ये इनसे सुपीरियर है, मतलब ये जो लोगों से संबंध रखते हैं काफी ज्यादा पावरफुल लोग हो सकते हैं वो। MD या DM, इट कैन बी लाइक दैट। प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द गवर्नमेंट सेक्टर्स, बैंक में हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट, ओके। अनीता किसी का नाम हो सकता है, ओके। रैट, सो दे आर, दे कैन बी इन द बिजनेस फील्ड, HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने जाओ और वो वहां पे रहे। कैन यू लाइक, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है, और बता देना कि कौन सा आपको पोर्शन यहाँ से मैच हो रहा है फ्रॉम द इनिशियल्स। सो हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी।